तो ये तय हो चुका है कि नवरत्न का बंटवारा होकर रहेगा। तुमने उस आदमी को फोन करके बुलाया था, इसीलिए वो आया था ना तुमसे मिलने। तुम लोगों की अक्ल मारी गई है, दिमाग खराब हो गया है। अगर मैंने उसे फोन करके बुलाया होता तो वो नवरत्न को मुझे बेचने की क्या जरूरत थी, जब इस शहर की सारी पुलिस उस नवरत्न की तलाश कर रही है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नवरत्न तुम्हारे पास नहीं है? अगर मेरे पास नवरत्न होता तो शायद इस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं होता। तो फिर वो आदमी कौन था? अरे मैं क्या जानूं? रेंचो, अरे अरे, थैंक यू रेंचो, मैं इसका इंतजार कर रहा था। एंड थैंक यू वेरी मच यार, तुम तीनों टाइम मुझे अपनी खबरें दे देते हो आकर के। क्या हो रहा है बाहर? अच्छे बच्चे की तरह रह रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चल जा, अभी घर जाओ, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। शाबाश शाबाश शाबाश, घर जाओ। मशहूर हीरा तराश विष्णु पॉल ने आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस को शक है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। विष्णु पॉल का भतीजा भरत पॉल गायब है, पुलिस को उसकी तलाश है। राम सिंह, राम सिंह, जल्दी कमिश्नर साहब को खबर करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कम ऑन। ये क्या कह रहे हैं आप राजा साहब? गायत्री देवी इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। मैं जानता हूं सर, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप ही हैं जो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं दोबारा नवरत्न की नीलामी करवाने के लिए। मगर राजा, नकली हीरों की नीलामी करवाकर गायत्री देवी एक बार फिर क्यों बदनाम होना चाहेगी? ये तो फ्रॉड है सर। मुझे पूरा यकीन है कि नीलामी के दिन मैं असली नवरत्न वापस ले आऊंगा। इससे ना तो गायत्री देवी की बेइज्जती होगी और ना ही आपकी जुबान खाली जाएगी। लेकिन सर, जरा सोचिए, अगर ये नीलामी ना हुई तो असली नवरत्न का मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
मगर राजा, इस बात पर गायत्री देवी को मनाना बहुत ही मुश्किल होगा। आई नो सर, लेकिन आप उन्हें मना सकते हैं। आई एम 100% श्योर सर। ओके, आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। हेलो ऑपरेटर, जरा गायत्री देवी का नंबर मिलाना प्लीज। इस बार किस नवरत्न की नीलामी हो रही है जमुना देवी? पता नहीं अकबर, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। वहां जाने पर पता चलेगा, लेकिन नवरत्न की चोरी करने वाला तो जेल की सलाखों के पीछे है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा नवरत्न नीलाम होने जा रहा है। असली नवरत्न तो कान खोलकर सुन लो, अगर इस बार असली हीरे हुए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन असली हीरे आएंगे कहां से? वो तो राजा जासूस कभी कच्ची गोली नहीं खेलता। जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ मारा है उसने सोना। 100 करोड़ के हीरे, लेकिन रानी मां और नकली हीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि मैंने एक बार फिर से आपको नवरत्न की नीलामी के लिए यहां बुलाया है। क्या करता, मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से नवरत्न मेरे यहां से गायब कर दिए गए। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, उन्हें मैंने फिर से हासिल कर लिया है और जौहरी साहब ने उन्हें चेक भी कर लिया है। क्यों जौहरी साहब? वेल, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि नवरत्न की नीलामी 100 करोड़ रुपए से शुरू होगी। 100 करोड़? मैं आज भी 100 करोड़ देने को तैयार हूं। हाँ, इससे कोई आगे बढ़ना चाहे तो बोली लगाए। गुड, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप में से कोई और है जो 100 करोड़ से ऊपर बोली लगाना चाहता है, प्लीज। ऑलराइट, तो मैं बोली शुरू करता हूं फिर से। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। एक मिनट, इससे पहले कि मैं इसे फाइनल करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि बोली अभी भी नकली नवरत्न की लगाई गई है। यस, आई एम सॉरी टू से मिस्टर विकी, लेकिन जिन नवरत्न की आपने बोली लगाई है वो अभी भी नकली है। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? हाँ, कम टू द पॉइंट मिस्टर विजय, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी पर्दा उठ जाने वाला है नाटक से। मैं अभी पेश किए देता हूं असली हीरे। कमिश्नर साहब प्लीज। राम सिंह, उन्हें भी लेकर आओ। ये कौन है? रानी साहिबा, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपके पैलेस से असली नवरत्न उड़ा लिए थे। जी, ये वो शख्स हैं, और ये कितने चालाक हैं इस बात का अंदाजा आप इसे लगा सकती हैं कि इन्होंने मेरी कस्टडी से असली नवरत्न उड़ा लिए। लेकिन एक मिनट, ये काम इस अकेले शख्स का नहीं हो सकता। इसके पीछे इस महल का भी कोई शख्स जरूर है। फिर पहेलियां बुझाने लगे आप, बताइए यदि कौन था वो आदमी? बड़े बेसब्र इंसान, थोड़ा सा इंतजार कीजिए विजय बाबू, अभी पेश किए देता हूं मैं असली कातिल को भी। रानी साहिबा, रानी साहिबा, जमाना बहुत खराब हो गया है और आप इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूजा रुको, जी हां आप, आपका नाटक खत्म हो चुका है, भोला बनने की कोशिश मत कीजिए आप। मैंने कुछ नहीं किया राजा साहब। मैंने कहा आप भोला बनने की कोशिश मत कीजिए, आपका नाटक खत्म हो चुका है। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा हुआ है कौन है आप जानते हैं? इसे भरत पॉल, जो इस षड्यंत्र की मेन कड़ी है। इसने ये सारा षड्यंत्र कैसे रचा ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसने भोली भाली पूजा को अपने प्यार के नाटक में फंसा लिया और विधवा पूजा इसके प्यार के नाटक में फंस गई और उसने पैलेस के सारे राज भरत पॉल पर खोल दिए। भरत पॉल कौन है ये मैं आपको बताता हूं।
मशहूर हीरा व्यापारी विष्णु पॉल के भतीजे हैं ये। विष्णु पॉल का कत्ल भी इसी ने किया है। इधर आओ भरत। कैसे कत्ल किया बताओगे सबको? बोलो। तूने मेरे बनाए हुए नकली हीरे चोरी किए तो मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि एक बेगुनाह इंसान पर बहुत बड़ा इल्जाम लग गया है। तू अभी उस लड़की के साथ जाकर गायत्री देवी को असली हीरे वापस कर दे, वरना मैं खुद गायत्री देवी के पास चला जाऊंगा। सारी जिंदगी भिखारियों की तरह जीने की कसम तुमने खाई है, मैंने नहीं। और मेरा सपना नकली हीरे नहीं है, असली हीरे। तू नहीं मानेगा तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता? पुलिस की धमकी? 100 करोड़ के हीरे छोड़ दो? 12 करोड़ के? 100 करोड़ के हीरे छोड़ दो? दोस्तों, नवरत्न की दोबारा नीलामी करवाने का मकसद ये था कि जिसने भी नवरत्न चुराए होंगे वो बौखला जाएगा, और मैंने उसकी बौखलाहट का पूरा पूरा फायदा उठाया है। मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था। तुम गिरफ्तार किए जाते हो भरतपाल। मूव, कम ऑन, मूव। लेकिन पूजा पर किसने गोली चलाई? इसने, भरतपाल। गोली चलाना इनकी साजिश का एक हिस्सा था। आपने जैसे ही मुझे नवरत्न का बक्सा दिया, मैं उसे रखने के लिए अपने कमरे में पहुंचा कि मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मैं भागा भागा बाहर आया और मैंने देखा कि पूजा के हाथ में गोली लगी हुई है। ये जख्मी थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बस इतनी देर में भरत ने अपना काम कर दिया। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राजा साहब, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। रानी गायत्री देवी जी, आपने जो किया है वो ठीक ही किया है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन किसी ने कहा है ना कि वो घर का भेदी लंका ढाए, और यहां मैं कहूंगा कि अंत भला तो सब भला।